My name is Vandana Devakar. Today, topic is Educational Technology. Educational Technology को हिंदी में शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसे कहा जाता है शैक्षिक तकनीकी। ठीक है, तो हम शैक्षिक तकनीकी को जानने से पहले हम पढ़ेंगे शिक्षा के बारे में, फिर पढ़ेंगे तकनीकी के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे शैक्षिक तकनीकी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, शिक्षा क्या होती है? शिक्षा क्या होती है? शिक्षा जो होती है एक जन्मजात प्रक्रिया होती है। क्या होती है? जन्मजात प्रक्रिया। जब बालक जन्म लेता है, तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत की चलने वाली प्रक्रिया होती है। क्योंकि जैसे ही बालक का जन्म होता है और वह जन्म से लेकर कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त करते रहते हैं, तो शिक्षा के द्वारा क्या होता है, बालक नए नए अनुभव प्राप्त करता है, नए नए चीजों को सीखता है और वह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत के सीखते ही रहता है। ठीक है, जैसे हम इसमें देखते हैं, जब बालक जन्म लेता है तो वो सबसे पहले माता के संपर्क में आता है। तो जब वो माता के संपर्क में आता है तो सबसे पहले जो उसकी शिक्षा होती है वो माता से प्राप्त होती है। उसको वो माँ से सीखता है और अच्छे बुरे जो भी व्यवहार उसको करने होते हैं वो सब चीजें वो शिक्षा माता से ग्रहण करता है। उसके बाद माँ के बाद वो परिवार के संपर्क में आता है। परिवार में होते हैं चाचा या चाची, दादाजी, दादी, सब जो होते हैं परिवार में, जितने लोग भी होते हैं उसके संपर्क में ये बालक आता है और वह परिवार के साथ रहकर क्या करता है, शिक्षा प्राप्त करता है। ठीक है, उसके बाद बालक जो होता है जब थोड़ा बड़ा होता है, जब आगे बढ़ता है, उसकी एज बढ़ती जाती है, तो बालक जो होता है वो स्कूल जाने लगता है। जब बालक स्कूल जाने लगता है तो वह स्कूल के संपर्क में जब वो आता है तो स्कूल में क्या होता है, अपने फ्रेंड्स के संपर्क में आता है, अपने एज के दोस्तों से मिलता है, वहाँ भी जब वो शिक्षा प्राप्त करता है तब क्या होता है, स्कूल में उसको सिखाया जाता है कि कैसे बैठना है, कैसे उठना है, शेयरिंग करना स्कूलों में सिखाया जाता है। पहले जो होती थी, जो शिक्षा जो होती थी वो क्या होती थी, शिक्षक केंद्रित होती थी। शिक्षक केंद्रित मतलब जैसा जैसा शिक्षक कर रहे हैं वैसे वैसे ही छात्र को करना होता था। जैसे हमारे पुराने जमाने में जो शिक्षा प्राप्त होती थी, जैसे राम भगवान है या कृष्ण भगवान है, जिन्होंने भी शिक्षा प्राप्त की है, वो शिक्षा वो आश्रम में जाकर प्राप्त करते थे। जहाँ पे गुरु रहते थे वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करते थे, जैसा जैसा टीचर्स करते थे वैसा वैसा स्टूडेंट किया करते थे। लेकिन अभी की जो शिक्षा होती है वो बालक केंद्रित होती है, मतलब बालक के उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए शिक्षा जो होती है वो बालक को दी जाती है। तो स्कूल में बच्चों के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, सिलेबस बनाया जाता है। बच्चा जब छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो उसको उठना, बैठना, कैसे बैठना है, शेयरिंग कैसे करना है, एक दूसरे की हेल्प कैसे करना है, ये सब चीजें जो होता है वो बालक सीखता है। उसके बाद बालक क्या होता है, समाज के संपर्क में आता है। समाज के संपर्क में, समाज क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जो समूह होता है उसे समाज कहा जाता है। तो बालक क्या होता है, समाज के संपर्क में आते हैं और बालक जो होता है समाज में ही रहकर क्या होता है, अपने अपना विकास करता है, मतलब समाज के लोगों का क्या करता है, बालक विकास करता है। ठीक है, तो बालक क्या होता है, समाज में आते हैं और समाज में रहकर ही सहयोग की भावना, देश प्रेम की भावना, अपने समाज के प्रति अपना सम्मान, ये सब चीजें क्या करता है, बालक सीखता है। बालक की जो शिक्षा होती है वो दो प्रकार की होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन और फॉर्मल एजुकेशन। कैसे होता है, जब बालक जन्म लेता है तो वो क्या होता है, सबसे पहले परिवार के संपर्क में आता है और परिवार में क्या होता है, वो मैंने आप लोगों को बताया है कि सबसे पहले जो वो शिक्षा प्राप्त करता है वो माता से करता है। तो माता क्या होती है, बालक की सबसे पहली गुरु होती है। जो माता से जो वो शिक्षा प्राप्त करता है उसे क्या कहा जाता है, इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन मतलब अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा मतलब जो बच्चा जो है नॉर्मल जो बातचीत करते हैं, हम जो घर पे जो नॉर्मल बातचीत करते हैं वो क्या होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। उसके बाद बच्चा क्या होता है, स्कूल जाता है, स्कूल में जाता है, स्कूल में क्या करता है, वो टीचर से शिक्षा प्राप्त करता है। टीचर से जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है, फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन मतलब औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा मतलब हमको बड़ों से कैसे बातें करनी है, छोटों से कैसे बातें करनी है, हमारे ऊंचे पद पर स्थित व्यक्ति से हमको कैसे बातें करनी है, अपने साथ
एजुकेशन कहा जाता है। एजुकेशन जो होता है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। एजुकेटम क्या होता है? एजुकेटम का अर्थ होता है शिक्षित करना, मतलब शिक्षा का अर्थ होता है शिक्षित करना या फिर शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, संस्कृत में हम देखते हैं कि शिक्षा, शिक्षा क्या होती है? शिक्षा जो होती है वो शिक्षा धातु से मिलकर बनी होती है, शिक्षा धातु प्लस अप्रत्यय। शिक्षा जो होती है ये जो होता है शिक्षा धातु प्लस अप्रत्यय से मिलकर बनी होती है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। मतलब व्यक्ति क्या करता है? शिक्षा प्राप्त भी करता है और दूसरे व्यक्ति को क्या करता है? शिक्षा प्रदान भी करता है। ठीक है, तो ये हुआ शिक्षा। फिर अब हम देखते हैं टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या होता है? टेक्नोलॉजी को इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है तकनीकी, जो ग्रीक भाषा के टेक्निको शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कला। कला का अर्थ होता है किसी भी कार्य को करने की कला। हर व्यक्ति में किसी भी कार्य को करने की कला होती है। हर व्यक्ति हर कार्य को अच्छे से नहीं कर सकता, मतलब हर कार्य को अलग तरीके से प्रेजेंट करना ही क्या होता है? एक कला होता है। जैसे टेक्नोलॉजी, हाँ टेक्नोलॉजी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक टेक्नोलॉजी जो मैं यूज कर रही हूँ वो जो है कि हम अपने टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, मतलब मल्टीमीडिया सेट का यूज कर रहे हैं। जैसे मैं आपको वीडियो लेक्चर दे रही हूँ, तो वीडियो लेक्चर में क्या हो रहा है कि मैं तकनीकी का यूज कर रही हूँ, तो मतलब मैं अपनी शैक्षिक प्रक्रिया को इफेक्टिव बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ? तकनीकी का यूज कर रही हूँ। दूसरा क्या होता है कि ये हम गैर मशीनों का उपयोग करते, मतलब मशीनों का यूज नहीं करते, जिसमें हम मॉडल्स का, चार्ट का, ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं ताकि हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया को क्या कर सके? इफेक्टिव बना सके। हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया को इफेक्टिव बनाने के लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और इसे यूज करने की अपनी अपनी एक कला होती है। ठीक है, हम एजुकेशन में एक डेफिनेशन देखते हैं महात्मा गांधी जी के अनुसार। महात्मा गांधी जी ने जो अपना डेफिनेशन दिया है वो है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बालक के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक इन सभी गुणों का क्या करना? चतुर्मुखी विकास करना। मतलब शिक्षा के द्वारा ही बालक का क्या होता है? शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है और आध्यात्मिक विकास होता है। जब हम बालक को शिक्षा देते हैं किसी चीज के बारे में, जब हम बताते हैं तो क्या होता है? बालक का मानसिक विकास होता है, उसका जो सोचने की समझने की शक्ति जो होती है बढ़ती है। फिर क्या होता है? जब वो बुक पढ़ता है या उसे अध्यात्म के बारे में बताते हैं तो उसके आध्यात्मिक विकास होता है और साथ साथ में शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास तो नेचुरली जो होता है वो डेवलप होते रहता है, लेकिन हम शिक्षा के द्वारा मनुष्य को या बालक को हम बताते हैं कि वो अपने बॉडी का ग्रोथ कैसे कर सकता है। जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास होती है, लोग अपने बॉडी को परफेक्ट रखने के लिए जिम क्लास जाते हैं, तो इसके द्वारा भी और हम कौन कौन सा न्यूट्रिशन ले, क्या क्या भोजन करें जिससे हम अपनी बॉडी को क्या कर सके? अच्छे तरीके से परफेक्ट बना सके। ये सब चीजें हमको टेक्नोलॉजी के द्वारा भी पता चलती है, शिक्षा के द्वारा भी क्या होती है? हमको पता चलती है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी क्या होता है? शिक्षा प्रक्रिया को क्या करना? इफेक्टिव बनाने के लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और शिक्षा जो होती है जो क्या होता है? बालक के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना ही क्या होता है? शिक्षा होता है। दूसरा डेफिनेशन है स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा क्या होती है कि बालक, शिक्षा एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है? बालक के अंदर जो नहीं जो अंतर शक्ति होती है उसका क्या करना? विकास करना। अंतर नहीं शक्ति मतलब उसके अंदर जो छुपी हुई क्वालिटीज होती है। क्या होता है? दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जिसमें कोई जो व्यक्ति होता है या कोई बालक जो होता है अपनी क्वालिटी को बताता है कि मुझे ये चीज करना आता है, मुझे डांसिंग करनी आती है, मुझे सिंगिंग करना आता है, मुझे बोलना आता है, मुझे पढ़ना आता है। लेकिन क्या होता है, जो व्यक्ति, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको क्या होता है अपनी क्वालिटीज को, अंदर की जो क्वालिटीज है वो क्या करते हैं? उसको एक्सपोज नहीं कर पाते। तो हम शिक्षा के द्वारा जब हम बच्चों को अपनी क्लास में पढ़ाते हैं, जब हम उस बच्चे को पढ़ाते जाते हैं या कुछ क्रिएटिविटी करवाते हैं, तब हमको पता चलता है कि उस बच्चे में कौन सी क्वालिटी है। तो शिक्षा के द्वारा हम क्या करते हैं? उस बच्चे में जो अंतर्निहित शक्ति होती है, जो उसके अंदर की क्वालिटी होती है, उसको शिक्षा के द्वारा क्या करना? बाहर निकालना। ठीक है, ये है शिक्षा। ठीक है, अब हम देखते हैं शैक्षिक तकनीकी। शैक्षिक तकनीकी जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, शिक्षा और तकनीकी क्या होता है? शिक्षा, शिक्षा जो होती है वो बालक के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना, और तकनीकी का अर्थ
बालक के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन हम कैसे लाएंगे? जब हम बालक को शिक्षा प्रदान करेंगे कि कौन सी चीजें अच्छी है, सपोज हम बालक को बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, अगर बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स है तो हम इसके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना चाहिए या शेयरिंग करनी चाहिए। जब हम ये बच्चों को शिक्षा देंगे, प्रेम की भावना, बड़ों से रिस्पेक्ट करना, छोटों को क्या करना, प्रेम करना, ये सब जब हम बच्चों को बताते हैं तो बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आएगा। बच्चा सीखेगा कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, छोटों से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। तो क्या होगा, या फिर हम बच्चों को या किसी टीचर्स को क्या करना, पढ़ाना। जब बच्चे टीचर क्या करते हैं, पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, शिक्षक छात्र क्या करता है, उसको सीखता है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। दूसरा है कला। कला का मतलब होता है उस कार्य को करने की अपनी अपनी कला, मतलब दोनों को मिलाकर होता है कि मानव ने किसी भी कार्य को करने की अलग अलग कलाएं होती है। मतलब शैक्षिक तकनीकी क्या होती है कि मानव में किसी भी कार्य को करने की क्या होती है, अपनी अपनी कलाएं होती है। जैसे शैक्षिक तकनीकी की एक परिभाषा है, किसके अनुसार, एम पापा राव के अनुसार, शैक्षिक प्रक्रिया, शैक्षिक तकनीकी क्या होती है, वह तकनीकी होती है जिसमें क्या होता है, शिक्षा की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, तकनीकी का यूज करते हैं। तो क्या होती है, हमारी जो शिक्षा प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है, बहुत इफेक्टिव होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपनी शिक्षा की प्रक्रिया को इफेक्टिव बनाने के लिए हम तकनीकी का प्रयोग करते हैं। ये तकनीकी जो होती है मल्टीमीडिया मोबाइल्स के द्वारा भी कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, मॉडल्स का, चार्ट का, इसका प्रयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग।